गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 5 अक्टूबर, दिन सोमवार, और आज हम लोग चंपा के फूल के बारे में जानेंगे। आज आप लोग को मैं सुबह सुबह दिखाऊंगी, जो वो फ्लावर्स होते हैं वो गिरे हुए होते हैं, सुबह सुबह देखिए, और उनकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। देखिए जैसे कि ये गिरे हुए हैं और एकदम फ्रेश है, ये देखिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे आप लोग को इस चंपा के फूल को जरूर दिखाना चाहिए। ये चंपा के जो फूल होते हैं वो दो, इसको हम पल्मेरिक फूल भी कहते हैं और गुलाइची का फूल भी कहते हैं, गुलाइची का फूल और पल्मेरिक फूल। और ये जो है, ये मंडे, आज मंडे का दिन है, और ये जो फ्लावर है भोले बाबा का सबसे फेवरेट फ्लावर होता है, और क्या कहते हैं, इसके पीछे एक लोक कथा भी है। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है ये, और इसकी पत्तियां देखिए कितनी ज्यादा सुंदर है। कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, और इसकी पत्तियां कितनी ज्यादा सुंदर है, और इसके पीछे एक लोक पलमेरी। ये बहुत ही यूजफुल प्लांट है हमारे लिए, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत यूजफुल हैं। ये हमारे स्किन डिजीज, अल्सर, और क्या बोलते हैं, गठिया के दर्द, इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है ये फ्लावर। और इसको लोग एज अ क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट यूज़ करते हैं। और ये फ्लावर जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक लोक कथा भी है। मैंने ऐसा सुना है कि इन्हें नहीं चढ़ाया जाता है शायद, क्योंकि भगवान ऋषि जो नारद जी थे, मुनि मुनि नारद, नारायण नारायण जो करते थे, वो क्या कहते हैं, एक बार की बात है, जब क्या कहते हैं, भोले बाबा को चंपा का फूल बहुत प्रिय था, तो एक ऋषि ने क्या किया, भोले बाबा को चंपा का फूल चढ़ाया बहुत सारा, और उसने वर मांगा, हे भगवान मुझे राजा बना दो, सर्वश्रेष्ठ बना दो। तो उन्होंने क्या किया कि चंपा का फूल उन्हें चढ़ाया था, तो फिर उसको राजा बना दिया, और उसने क्या किया, लोगों का शोषण करने लग गया, लोगों को परेशान करने लग गया, गरीब लोगों को। तो फिर नारद जी ने भगवान शिव से पूछा, आपने उसे क्यों बनाया? उसने पूछा, आपने उसे राजा क्यों बनाया, उसकी इच्छाएं क्यों पूरी की? तो उसने भगवान शिव ने बोला, उसने मुझे चंपा का फूल चढ़ाया था। लेकिन जब नारद मुनि जी ने पूछा कि क्या कहते हैं, पेड़ से पूछा कि क्या तुम्हारे पौधे से किसी ने फूल तोड़ा है? तो पेड़ ने कहा, नहीं, मेरे पौधे से किसी ने फूल नहीं तोड़ा है। तो फिर क्या होता है कि तो वो झूठ बोलता है पेड़ नारद मुनि जी से। तो फिर क्या होता है कि सब लोग वो जब बगल के ही मंदिर में जाते हैं, तो देखते हैं कि भगवान शिव पे पूरी तरह से चंपा के फूल चढ़े हुए हैं। तब नारद जी को समझ में आता है कि क्या कहते हैं, जो वो है, उसने झूठ बोला है, उससे पेड़ ने उससे झूठ बोला है। तो फिर नारद जी मुनि जी गुस्से में आके उस पेड़ को श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारे फूल कभी भी भगवान जी को नहीं चढ़ाए जाएंगे। ऐसी ये लोक कथा है, मुझे पता नहीं है पर, लेकिन मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। तो फिर लेकिन ये इतने सुंदर फूल हैं, इनकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, भगवान शिव जी कभी इनसे दूर नहीं रह सकते, और इन्हें चढ़ाया जाता होगा। और आज मैंने आपको ये चंपा के फूल के बारे में बताया है, इनकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इनके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गठिया के दर्द में, स्किन डिजीज में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसके पत्तों की पेस्ट बना के मुँह पे लगाया जाता है, और जो ये इसके पिगमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ये वाले वाइट वाइट जो पिगमेंट है पत्तों से निकल रहे हैं वो भी यूज़ किया जाता है, इसकी छाल यूज़ की जाती है, इसका फूल यूज़ किया जाता है, और इसकी खूबसूरती लाजवाब है, इसकी सुंदरता लाजवाब है। और मुझे आप लोग को सुबह सुबह यही बताना था। देखिए चांद तो सुंदर लग रहा है, अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं। और चलिए हम लोग इन फ्लावर्स को थोड़ा, जो नीचे गिरे हैं, सुबह सुबह मैं तोड़ती नहीं हूँ, मैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उठा के और इन्हें पानी में
पानी में बाउल में रख देती हूँ, ये पूरे दिन फ्रेश रहता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।